हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हमारा उन सभी यूट्यूबर के लिए है जो यूट्यूब पर अपना वीडियो पोस्ट करते हैं, चाहे ब्लॉगिंग का हो या फिर टेक से रिलेटेड हो या फिर दोस्तों किसी भी से कैटेगरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर यूट्यूब में एक नया फीचर जोड़ा गया है अल्टर्ड कंटेंट के नाम से, एक नया फीचर, एक नई सेटिंग कह लो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अल्टर्ड कंटेंट के नाम से ये फीचर क्यों जोड़ा गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय AI का जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो AI का है, ज़्यादा प्रचलन है। इस समय लोग जो है AI का इस्तेमाल करके किसी का धड़ किसी का रहता है, फेस किसी का रहता है, लोग जो है इसी प्रकार से ये वीडियो बनाते हैं या फिर किसी का आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं AI के माध्यम से। तो इसी प्रकार को इसको ध्यान रखते हुए यूट्यूब जो है इस अपने इस ऑप्शन पर अगर आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो वहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट का नाम का एक ऑप्शन जोड़ा है। तो इसका क्या यूज है, वहाँ पर यस करना है या फिर नो करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल ले लेना है और यहाँ पर चलिए YouTube को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पर शो हो रहा है, शॉर्ट वीडियो में या फिर लॉन्ग वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल में आ गए हैं और यहाँ पर जो है YouTube को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पर YouTube को ओपन किया है, जैसे कि हमें यहाँ पर एक वीडियो पोस्ट करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से दोस्तों हम एक वीडियो उठा लेते हैं, एक शॉर्ट वीडियो। चलिए जैसे कि हमारा यहाँ पर ये वीडियो है, इसको हम यहाँ पर सेट कर लिए हैं। इसको सेट करने के बाद चलिए यहाँ पर हम करते हैं डन करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। चलिए यहाँ पर भी हम सही करते हैं। सही कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइटल लिखने का आ गया है, उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, लोकेशन है, सब कुछ पुराना जैसा है, लेकिन एक जो नया ऑप्शन है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अल्टर्ड कंटेंट का एक ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये यस और नो में पूछ रहा है आपका जवाब। तो दोस्तों ये यस और न्यू में जो आपका जवाब पूछ रहा है, तो यहाँ पर किसको यस करना है और किसको नो करना है, तो यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हम आपको बताते हैं। अगर आप अपने वीडियो में दोस्तों किसी का वॉइस इस्तेमाल किए हैं किसी को समझाने के लिए या फिर किसी का फेस इस्तेमाल किए हैं, यानी कि कुल मिला के AI का इस्तेमाल किए हैं, तो दोस्तों उस केस में आपको यहाँ पर यस करना है। अदरवाइज अगर आपका ओरिजिनल कॉन्टेंट है ब्लॉगिंग से या फिर किसी प्रकार का कॉन्टेंट जो आपका ओरिजिनल है सेम का है, आपने किसी का कोई भी कापी पेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर नो करना है। उसके बाद दोस्तों नो करने के बाद उसको अपलोड कर देना है और यहाँ पर कुछ करना नहीं है। और दोस्तों सेम प्रकार यहाँ पर लॉन्ग वीडियो में भी यही देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों चलिए जैसे कि आप यहाँ पर जो है किसी AI का जो है इस्तेमाल किए हैं और दोस्तों इस केस में आपने यहाँ पर जो है यस और नो में जवाब नहीं किए, तो दोस्तों यहाँ पर एक लिखा हुआ है व्यू एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर इसके बारे में पूरा दिखाया गया है और लिखा गया है कि दोस्तों आप किसको यहाँ पर यस करना है या फिर किसको नो करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं AI इफेक्ट सर्च यूट्यूब टर्न, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर दोस्तों अपने वीडियो में आपने AI का इस्तेमाल किया है और आपने इसको जो है यस और या फिर नो में जवाब नहीं दिया, उसके बाद अपना वीडियो पोस्ट कर दिया है, तब दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। अगर आप YouTube के पकड़े में आ गए हैं तो आपका दोस्तों वहाँ पर चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सस्पेंड भी कर दिया जाएगा इस केस में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, हमने आपको जरूरी समझा कि ये बता दें। तो दोस्तों अभी जो छोटे यूट्यूबर हैं इनको पता नहीं चलता है, इसको इंग्लिश नहीं आती है या फिर समझ नहीं पाते हैं, डांसिंग ब्लॉगिंग बनाते हैं, ये सब उन्हीं के लोगों के लिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।